फ्रेंड्स, माय नेम इज सनवीर फ्रॉम बिग ऑटो एसेसरीज वाशी नवी मुंबई। गेस द कार, गेस द वेरिएंट, आज आप लोगों के सामने जो प्रेजेंट कर रहे हैं, दिस इज नॉट क्रेटा, दिस इज नॉट अल्काजार, दिस इज द क्रेटाजर। ये कार जो क्रेटा ई वेरिएंट कार ही है दोस्तों, जिसे हमने क्रेटाजर बनाया हुआ है, और ये सब पॉसिबल है आप लोगों के सपोर्ट से। फ्रंट लुक ऑफ द कार टोटल चेंज कर दिया है हमने ई वेरिएंट से, ना एसएक्स, ना एसएक्सओ, ना टॉप वेरिएंट, अल्काजार के इसके अंदर हेडलाइट्स अल्काजार की इंस्टॉल होती है इसके अंदर। इसमें क्रेटा ट्रियो हेडलाइट्स नहीं लगेगी, इसके ब्रैकेट्स अलग हैं। द कैस्केड इन डार्क क्रोमियम ग्रिल, द लुक ऑफ द कार इज अ मेन ग्रिल दोस्तों, ये ग्रिल का लुक टोटली अलग है। द डार्क क्रोमियम जो आता है एक प्रेजेंस कार का इज द अल्टीमेट। फोक लैम्प्स चेंज किए हैं, टॉप वेरिएंट के अल्काजार की आती है, लेकिन इसके जो ऊपर के गार्निशिंग है वो भी डार्क क्रोमियम के आते हैं। कलर आप देख सकते हैं, एग्जैक्ट बॉडी कलर हमने किया हुआ है, ये रॉ बम्पर ही आता है। स्किड प्लेट्स, फ्रंट की स्किड प्लेट्स भी हमने इंस्टॉल की हुई है दोस्तों, कोई चीज कोई कसर हमने नहीं छोड़ी हुई है इसे क्रेटाजर बनाने के लिए। आज प्राउडली आप लोगों के सामने प्रेजेंट करता हूं, महाराष्ट्र की फर्स्ट कार है क्रेटाजर। लेकिन एक ग्रिल इज सो आई कैचिंग, सो अमेजिंग दोस्तों, एक क्रेटा को भी हम अल्काजार बना सकते हैं। ये ग्रिल नहीं लगेगी आपकी कार के अंदर, बम्पर चेंज करना ही पड़ेगा। अगर आप सोचें कि मैं खारी ग्रिल लगा दूं ये कार में, वो नहीं हो सकता है दोस्तों। लेकिन जो हेडलाइट्स है इसमें भी आप देख सकते हैं, द डार्क क्रोमियम का एक पार्ट आता है जो हमारे रेगुलर जो ट्रियो हेडलाइट्स में नहीं लग के आता है। तो अगर हम सोचें कि हम ट्रियो हेडलाइट्स लगा के इसके अंदर है, वो पॉसिबल नहीं है, ना कोई चीज़ की कमी रह जाएगी। लेकिन मज़ा आ गया दोस्तों ऐसा काम करके, ऐसा लुक देख के, कि मैं चैलेंज देता हूं कि आगे से कोई नहीं बोल सकता है कि ये हमारी क्रेटा ई वेरिएंट कार है। हमने ये कार में चारों डोर्स के कॉर्नरिंग में पीपीएफ कोटिंग की हुई है, एंड द पीपीएफ कोटिंग चारों डोर्स एंड फ्रंट एंड बैक के बम्पर में हमारे तरफ से कस्टमर को करके दिया है, एज अ गिफ्ट बोल सकते हैं, जेस्चर बोल सकते हैं। ये जो पीपीएफ कोटिंग है डोर ओपन एंड क्लोज करने के टाइम पे जो एजेस में स्क्रैचेस वगैरह आ जाते हैं, काफ़ी इसमें फ़र्क पड़ता है। एंड द रियर बम्पर में भी आप देख सकते हैं जो पीपीएफ कोटिंग की हुई है, तरीका देखिए, काम देखिए हमारा कि किस तरीके से हम करते हैं। 17 इंचेस के डायमंड कट एलॉय व्हील्स, ORVM मिरर्स, हाई इंफ्रारेड हीट रिजेक्शन फिल्म, चारों डोर्स में प्रीमियम डैम्पिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल। जो डैम्पिंग है तो रोड साउंड जीरो है, डैम्पिंग है तो साउंड सिस्टम का इफेक्ट भी अल्टीमेट है। रियर में ट्रियो टेल लाइट्स, रियर से तो अल्काजार नहीं बना सकते हैं दोस्तों, जितनी मेहनत कर रहे हैं आगे के इसके अंदर कर रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर आप लोग मुझे बताना। ट्रियो टेल लाइट्स इंस्टॉल की है क्रेटा की, जो मेन आन बान शान है। द रियर की स्किड प्लेट्स हमने इंस्टॉल की है, एंड टॉप वेरिएंट का शार्क फिन एंटीना। इंटीरियर पोर्शन ऑफ द कार में ORVM मिरर्स इंस्टॉल किए हैं, प्रॉपरली स्विचेस वर्क करते, एंड द होंडाई जेन्युइन के स्विचेस के साथ इंस्टॉल किए हैं। इनर हैंडल्स, चारों डोर्स की लेदर पैडिंग, सीट कवर्स मैक ट्रिम्स के अल्ट्रा सॉफ्ट सीट कवर, जस्ट सी द फिटमेंट एंड द फिनिशिंग ऑफ द सीट कवर। मार्केट में काफ़ी और भी ब्रांड्स हैं, लेकिन मैक ट्रिम्स हैं। चारों डोर्स में एल्यूमिनेटेड कफ प्लेट्स विद द नियॉन ब्लू साइन के साथ आता है। प्लेयर हमने 2GB रैम, 32GB मेमोरी विद द वायरलेस एप्पल कार प्ले एंड द अल्ट्रा HD कैमरा हमने इंस्टॉल किया है GT10 का। लेकिन दोस्तों मज़ा आ गया, ये सब चीज़ें हैं, कॉन्सेप्ट के साथ आते हैं, कुछ न्यू इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ आते हैं आप लोगों के सामने। लेकिन और एक चीज़ बोलता हूँ दोस्तों, वाइट कलर की कार है, ये चीज़ ब्लैक कलर में करूँगा अगले वीडियो में आप लोगों के सामने लेके आओगे, आप भी बोलोगे
कि अब हमें एसएक्स और एसएक्सओ नहीं चाहिए, फ्रंट से तो हमको अल्कज़ार ही बना के दे दीजिए। और ये सब प्रोजेक्ट आप लोगों के सामने लेके आए हैं, मैं फिर से बोलूँगा कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये हमारा जो इनोवेटिव आइडिया है आपको कैसा लगा है। और वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ये सब पॉसिबल है आप लोगों के सपोर्ट से, जो आप लोगों ने मुझे क्रेटा एटिका के लिए जो प्यार दिया हुआ है और सेल्टोस के लिए। आगे भी आपको प्रॉमिस करता हूँ ऐसे ही इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ आप लोगों के सामने आता रहूँगा। ड्राइव सेफली एंड थैंक यू फ्रेंड्स वंस अगेन।